कृष्णा, ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शुक्र केतु युति की, यानी वीनस केतु कंजंक्शन की। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में वीनस और केतु क्लोजली कंजंक्ट हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मैरिज और रिलेशनशिप से संबंधित किस तरह की प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में हो सकती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके साथ ही आज हम इस कंजंक्शन के एक बहुत ही अलग पहलू के बारे में जानेंगे कि अगर वीनस और केतु बर्थ चार्ट में क्लोजली कंजंक्ट हो तो कौन व्यक्ति को रिजेक्ट कर सकता है या छोड़ सकता है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि शुक्र केतु युति अगर बर्थ चार्ट में है तो क्यों ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर के बिहेवियर में शादी के कुछ एक वर्षों के बाद ही एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है। और अक्सर व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसके साथ उसने शादी की थी। तो इस सब की क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, वीनस केतु कंजंक्शन को वैदिक ज्योतिष में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंजंक्शंस में से एक माना जाता है, और अक्सर व्यक्ति के लिए इसकी एनर्जी को चैनलाइज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली तब जब व्यक्ति के जीवन में शुक्र या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। क्योंकि देखिए, वीनस और केतु जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट कारक तत्वों को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह हैं, जहाँ एक और शुक्र जो है वो व्यक्ति के जीवन में मैरिटल हैप्पीनेस का नेचुरल सिग्निफिकेटर माना जाता है और मेल्स में वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है लव, रोमांस, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप वगैरह को भी। और जबकि इसके दूसरी ओर जो केतु है उसे वैदिक ज्योतिष में एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट माना जाता है, और केतु जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, रिसर्च को, कंफ्यूजन को, डिससैटिस्फेक्शन को और डिटैचमेंट को भी, और इसी तरह से मोक्ष को भी केतु ही रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये दोनों एकदम ऑपोजिट कारक तत्वों वाले ग्रह जो हैं वो किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट होते हैं, या वर्चुअल कंजंक्शन भी अगर बना रहे होते हैं, तो ये व्यक्ति के जीवन में मैरिज और रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ही अजीब तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। हम किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में वीनस केतु की एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन को देखें तो उसको बहुत डीपली एनालाइज किए जाने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वीनस और केतु जो है क्या वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, और अगर शुक्र और केतु जो है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और विद इन 3 डिग्रीज के अंदर हैं, तो ये व्यक्ति के जीवन में इसी जन्म में मैरिज और रिलेशनशिप से रिलेटेड एक बहुत बड़ी कार्मिक सेटलमेंट की तरफ इंडिकेट करता है, और धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो उसके जीवन में ब्रेकअप, सेपरेशन या डिवोर्स जैसी सिचुएशन को क्रिएट करने की एक बहुत बड़ी वजह जो है ये सारी स्थिति बन सकती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि डिवोर्स सिर्फ उसी स्थिति में होता है जब दोनों ही हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही बर्थ चार्ट में डिवोर्स का योग बन रहा हो, नहीं तो झगड़ा भले ही 10 साल क्यों ना चलता रहे, डिवोर्स नहीं होगा। बर्थ चार्ट में
वीनस और केतु की एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन, स्पेशली विद इन 3 डिग्रीज अगर हो, तो वो किस तरह से व्यक्ति के जीवन में मैरिज और रिलेशनशिप से संबंधित प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शुक्र और केतु की एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन होती है, तो ऐसे लोगों का जो माइंडसेट है वो बहुत ही अलग तरह से काम करता है। अक्सर उनके मन में जो है अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस अक्सर रहती है। ऐसे लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि उनके मन में अपने लाइफ पार्टनर को लेकर अक्सर एक इमेज रहती है कि उनके लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और उसको कैसे बिहेव करना चाहिए। और ऐसे लोगों को लाइफ में जब भी कोई पर्सन एज ए पार्टनर मिलता है तो वो हमेशा ये कंपेयर करते रहते हैं कि जो भी व्यक्ति उनको मिला है और जैसा वो चाहते थे। तो अगर उनको जो भी व्यक्ति लाइफ में मिला है अगर उसका बिहेवियर उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होता तो धीरे धीरे जो है इस सब की वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, रिलेशनशिप में डिससैटिस्फेक्शन की वजह से धीरे धीरे जो है कम्युनिकेशन गैप आने लगता है और व्यक्ति जो है धीरे धीरे डिटैचमेंट की ओर जाने लगता है। और बहुत बार स्थिति जो है इस तरह की भी हो सकती है कि दोनों ही व्यक्ति एक ही छत के नीचे रहते हुए एक अलग अलग जिंदगी जो है वो जी रहे होते हैं। और रिलेशनशिप और मैरिज में पेन और सफरिंग जो है वो उस समय और भी बहुत प्रोमिनेंट रूप से दिखाई दे सकती है जब व्यक्ति के जीवन में शुक्र या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। अब मैं शुक्र केतु कंजंक्शन जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बहुत क्लोज कंजंक्शन है तो उस व्यक्ति से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट को शेयर करने वाली हूँ, और वो ये है कि ऐसे लोगों को अपने लाइफ पार्टनर के बिहेवियर में शादी के कुछ एक वर्षों के बाद एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है। और अक्सर व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसके साथ उसने शादी की थी। और एक और चीज बहुत प्रोमिनेंट रूप से देखने को मिलती है कि ऐसे लोगों को जिसके भी चार्ट में शुक्र केतु की क्लोज कंजंक्शन है, ऐसे लोगों को अक्सर अपने लाइफ पार्टनर को समझने में बहुत कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है, बहुत भ्रम की स्थिति उनके जीवन में रह सकती है। और बहुत बार स्पेशली जब शुक्र या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो ऐसे लोगों को अपने पार्टनर के बारे में कुछ एक शॉकिंग चीजें या अनएक्सपेक्टेड चीजें पता चल सकती हैं जिनके बारे में उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। और इसके साथ ही एक और चीज बहुत प्रोमिनेंट रूप से देखी जाती है जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शुक्र और केतु की बहुत ही क्लोज कंजंक्शन होती है, और वो ये है कि दोनों में से एक व्यक्ति जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही लॉजिकल हो जाए, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और वहीं दूसरी ओर जो दूसरा पार्टनर है वो एक्सट्रीमली मटेरियलिस्टिक और फन लविंग हो जाए, इसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। और यहाँ से ही दोनों के जीवन में जो है कन्फ्रंटेशन भी स्टार्ट होती है और दोनों की जो प्रायोरिटीज हैं वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज होने लगती है। बार लाइफ में वीनस केतु कंजंक्शन की वजह से मिलने वाली पेन और सफरिंग की वजह से अक्सर व्यक्ति जो है ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर
उसको वीनस केतु कंजंक्शन जो है वो बर्थ चार्ट में मिली ही क्यों? तो इस सब का एक बहुत डीपर सिग्निफिकेशन है, और वो ये है कि व्यक्ति ने अपनी पास्ट लाइफ में अपने पार्टनर के प्रति कुछ एक इम्पोर्टेंट ड्यूटीज को इग्नोर किया है, और अपनी ईगो की वजह से उसकी वैल्यू को नहीं समझा। तो एज ए रिजल्ट, या फिर कह लीजिए कि एज ए पनिशमेंट, उसको इस लाइफ में मोस्ट डिजायरेबल पर्सन जो है वो नहीं मिलता। व्यक्ति को जीवन में एक ट्रू रिलेशनशिप, या यूं कह लीजिए कि सच्चा प्यार जो है वो अक्सर नहीं मिल पाता। और क्योंकि व्यक्ति जो है वो पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप की नेगेटिव एनर्जी को इस लाइफ में कैरी कर रहा है, तो इंटरेस्टिंगली ऐसे लोगों को अक्सर जल्दी जल्दी कोई व्यक्ति पसंद भी नहीं आता, और जो कोई व्यक्ति उनको पसंद आता भी है, यानी कि जो भी मोस्ट डिजायर्ड पर्सन उनको लगता है, वही उनको या तो रिजेक्ट कर सकता है या फिर छोड़ सकता है। और बहुत बार वीनस केतु कंजंक्शन वाले लोग जो हैं खुद को लाइफ में एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं कि जहां पर उनको ये लगने लगता है कि उनको दुनिया में कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जो मोस्ट डिजायर्ड पर्सन है वो नहीं मिल सकता या नहीं मिल पाता। और बहुत बार ऐसे लोग ये भी सोचने लगते हैं कि उनको रिलेशनशिप में जो हैप्पीनेस है वो तो नहीं मिली, लेकिन उनको जिंदगी में एक शांति तो मिल ही जाए। तो बहुत बार शुक्र केतु युति वाले व्यक्ति को जीवन में ऐसा भी लग सकता है कि जैसे उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में वीनस केतु की एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है, तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक स्पिरिचुअल और एक बहुत ही लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल टाइप के व्यक्ति को चुनना चाहिए, और अपने रिलेशनशिप और मैरिज में एक दूसरे को स्पेस भी देना चाहिए। क्योंकि शुक्र केतु वाला व्यक्ति या उसका पार्टनर जो है, ऐसे लोगों के जीवन में ये देखा गया है कि ये लोग जो है मैरिज या रिलेशनशिप में पड़कर कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी को खोना नहीं चाहेंगे, और ऐसे लोगों को अपने पार्टनर के मैटर्स में भी जरूरत से ज्यादा जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शुक्र केतु की बहुत ही प्रोमिनेंट कंजंक्शन हो, ऐसे लोगों को गणेश जी की या देवी की आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तभी वो इस बहुत ही डिफिकल्ट एनर्जी वाली कंजंक्शन की को चैनलाइज कर पाने में सफल हो पाएंगे। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।